हेलो गाइज, मेरा जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या है कि 2x+3y = 11 और 2x-4y = -24 को पहले हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें के लिए y = mx + 3, यानी कि मेरा जो है समीकरण क्या है दिया गया है। समीकरण क्या है, पहला समीकरण मेरा क्या है 2x+3y = 11, दूसरा क्या है 2x-4y = 14। तो क्या करेंगे, प्रतिस्थापना विधि से ही निकाल देते हैं समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से क्या है 2x+3y = क्या है 11। 2x = क्या हो जाएगा 11-3y, x = क्या हो जाएगा 11-3y/2। ये समीकरण क्या हो गया, थर्ड निकल गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड में एक्स का मान रखने पर समीकरण मेरा क्या है सेकेंड 2x-4y = -34। 2x का मान कितना है 11, एक्स का मान कितना है 11-3y/2। -4y = कितना है 24। तो 2 2 क्या हुआ मेरा कैंसिल हुआ, क्या बचा 11-3y - 4y = -24, 11-7y = -24, -7y = -24 - 11, -7y = 35। माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 5 2 1 3, 7 5 35, वाई का मान कितना आया 5। ओके, अब क्या करेंगे समीकरण समीकरण थर्ड में वाई का मान रखने पर, समीकरण थर्ड क्या है मेरा, यहां पे देखिए x = 11-3y अब बटे 2, तो 11-3 × 5/2, तो क्या हो जाएगा 11-5 = 15/2, तो कितना हो जाएगा 11 में 15 गया -4/2 = -2, तो x का मान कितना आया -2। ओके, और y का मान कितना आया है 5। अब आगे हमारा सवाल में क्या बोलता है कि एक समीकरण है, क्या है y, y = क्या है mx + 3 है, तब क्या कह रहा बोल रहा है कि m का वैल्यू निकालने के लिए, तो y का मान कितना है मेरा 5 = m, x का मान कितना है -2 + 3, तो 5 = -2m + 3, तो 5 - 3 = -2a, 5 में 3 गया 2 = -2, 2 2 कैंसिल, m = - कितना हो जाएगा m का वैल्यू कितना हुआ -1,